टेस्ट सीरीज जो लास्ट में ब्रह्मास्त्र चली थी, ब्रह्मास्त्र से उससे मेरे नंबर एक साथ बढ़े थे 40 से 50 के। वेरी गुड। शुरू से ही मतलब केमिस्ट्री को इतना बोर नहीं होने दिया, तो उसी के साथ मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा। वो आपकी कमियां बताती है एक्चुअली में। तो जो हमारी AI मशीन है, वो मशीन बेसिकली बच्चों की कमियां बताती है और बच्चों की कमियों के अकॉर्डिंग ही DPP जनरेट करके उनको देती है। हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाने जा रहा हूं जिस बच्चे ने प्योर स्कूलिंग करी थी। वो CBSE बोर्ड से था, उसके बोर्ड्स में 91% आए थे। उसने मोशन पे ट्रस्ट किया, मोशन ज्वाइन किया, 13th में ज्वाइन किया और उसके जो परसेंटाइल थे वो लास्ट ईयर 56% थे, जो कि इस साल 96.5% हो चुका है। तो आइए, मैं बात करने जा रहा हूँ और आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ मोहित चौधरी से। हेलो मोहित। यस। तो नमस्कार बेटा। तो मोहित, सबसे पहला तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जब बोर्ड दिया और आपके 91% आए, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि IIT का सपना आपने कब देखा? जी सर, 12th में जैसे लास्ट में जैसे मैं यूट्यूब पे देखता था NV सर की वीडियो, उसमें बताते कि थे कि ऐसे करनी है तैयारी, तो मैं वैसे मैंने कुछ तैयारी तो नहीं की थी 12th में। तो मैंने 12th के पेपर के बाद फिर वैसे ही JEE Main का पेपर अटेम्प्ट दे दिया था नॉर्मल वे में। हाँ, वैसे ही कुछ तैयारी भी नहीं की, तो उसमें मेरी 56% आई थी। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मोशन ज्वाइन की थी सर, वीडियो यूट्यूब से देखा, सर की वीडियो देखे थे, एनवी सर की वीडियो देखे थे, सिस्टम देखा होगा आपने यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे पॉजिटिव वो फीडबैक देखा होगा आपने, व्यूज देखे होंगे हमारे, उसके भी आप फिर आपने मोशन ज्वाइन किया। तो आपकी जो एक साल की जर्नी रही है, आप थोड़ा सा लेट भी शायद आए थे, मुझे लगता है जून में, कब आपने एडमिशन कब लिया था मोशन में? मई जून में, मई में 10 मई को लिया था। मतलब बेसिकली आपका मेंस का पूरा रिजल्ट आ गया, उसके बाद आपने एडमिशन लिया। ठीक है। तो आपकी जो मई से लेकर के अभी तक की फर्स्ट अटेम्प्ट तक की जो जर्नी हुई है, उस जर्नी में आपको मोशन से एकेडमिकली क्या क्या सपोर्ट मिला, क्या क्या आपको लगा कि मैंने कहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया है? आपका ये जो परसेंटाइल ग्रोथ किया है 56 से 96 तक गया है, इस ग्रोथ में मोशन की तरफ से आपको क्या लगा कि सब्जेक्ट वाइज आपकी क्या ग्रोथ हुई है, टीचर्स यहाँ के कैसे थे, सिस्टम ने क्या क्या सपोर्ट किया, उन सारे के बारे में कुछ बताइए। जैसे सर 56% से मेरे मार्क्स और वो पता ही चल रहे होंगे, तो मैं मोशन में आके जीरो ही था बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। जैसे ही मैं मोशन में आया, मैंने टीचर्स के सभी जो टीचर्स कराते थे, होमवर्क देते थे, उसको करता था, जैसे DPP कभी कभार नहीं हो पाती थी टाइम की वजह से, और फिर सर की कोचिंग ही ली मैंने, लेक्चर वगैरह ही किए और होमवर्क किया था जो जितना बताते थे। ओके। क्लास में आप रेगुलर रहते थे लगातार पूरा लास्ट तक भी? ऑलमोस्ट रेगुलर रहे थे जितना मुझे पास आपके टीचरों से फीडबैक आया है, उसके अकॉर्डिंग आप लगातार लास्ट तक रेगुलर रहे, सारे टेस्ट भी आपने प्रॉपरली दिए थे। अच्छा, जो मोशन की टेस्ट सीरीज होती थी, लास्ट की जो टेस्ट सीरीज हमने कंडक्ट कराई थी, उससे जो आपका स्कोर आता था, क्या मेंस में ऑलमोस्ट वही स्कोर रहा था आपका कि ग्रोथ हुई थी उसकी? टेस्ट सीरीज जो लास्ट में ब्रह्मास्त्र चली थी, ब्रह्मास्त्र, उससे मेरे नंबर एक साथ बढ़े थे 40 से 50 के बीच। वेरी गुड। लास्ट में आपने इम्प्रूवमेंट किया था 40 से 50 मार्क्स का, मतलब पहले आपके अभी आपके मेंस में ब्रह्मास्त्र। ओके। अभी आपके स्कोर कितना था अंदाजन मेंस में स्कोर मेरे 162। कौन से शिफ्ट था आपका एग्जाम? 29 जनवरी शिफ्ट 1। 29 जनवरी शिफ्ट 1 में था आपका और आपके 162 के आसपास मार्क्स आए। ठीक है। और आपके पहले टेस्ट में कितने स्कोर आता था, 100 के अराउंड जो आप बोल रहे हैं? पहले 108 ऐसे करके पूछा। ओके। तो ब्रह्मास्त्र श्री ने, वो आपकी ग्रोथ हुई है, उसने आपकी हेल्प करी ब्रह्मास्त्र श्री ने आपको, और आपका स्कोर 40 से 50 नंबर बढ़ा। ठीक। क्या ये जो लास्ट में हमने ब्रह्मास्त्र श्री चलाई थी, उसका कितना रिजेंबलेंस आपको पेपर में मिला? क्या आपको लगा कि पेपर वैसे ही था या कुछ डिफरेंट दिखा या कुछ मिसिंग लगा आपको? जैसे सर ब्रह्मास्त्र के जो टेस्ट में जो क्वेश्चन वगैरह भी आते थे, PY भी आते थे, और उसमें एडवांस के सिंगल करेक्ट भी क्वेश्चन डाले, बिल्कुल सही है, तो उसका लेवल तो मेंस से तो ऊपर ही था, थोड़ा बेटर रखते थे। तो जैसे उसमें आते थे ब्रह्मास्त्र में, उससे 10 नंबर ज्यादा ही आए हैं ओरिजिनल एग्जाम में आपके। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या आपको लगता है कि एकेडमिकली कहीं मिसिंग रह गया आपका, थोड़ी सी और हमने प्रिपरेशन की थी तो ये 96.5 से हम 99.5 में जा सकते थे, इस गैप को आप कैसे फिल करेंगे सेकेंड अटेम्प्ट में? जैसे सर मैंने मैथ में थोड़ा कम ध्यान दिया था। ओके। मैथ कम करता था क्योंकि टाइम भी लेता था और इतना जल्दी मैं ग्रो भी नहीं कर पा रहा था मैथ में, तो अब के मैं मैथ को इम्प्रूव करूँगा ज़्यादा, और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी करीब करीब 24 कम से कम 24 क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है।
तीनों सब्जेक्ट में आपका फेवरेट क्या था? सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री फेवरेट था। और केमिस्ट्री का पेपर जैसे साल जो मेंस में आया, सबसे आसान शायद फिजिक्स था, फिर केमिस्ट्री था, फिर मैथ था, जो मेरे पास फीडबैक है बच्चों की तरफ से। तो आपको क्या लगता है केमिस्ट्री क्यों फेवरेट है, केमिस्ट्री का क्यों आपके लिए फेवरेट हो गया? क्या आपने ऐसा किया कि आपको याद जल्दी होता है, या क्या स्ट्रेटेजी आपकी रही केमिस्ट्री को फेवरेट करने की? सर जो मोशन में टीचर थे, अच्छे अच्छे टीचर थे, वो शुरू से ही मतलब केमिस्ट्री को इतना बोर नहीं होने दिया, तो उसी के साथ मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा था केमिस्ट्री में, तो इसकी वजह से। ठीक है, अच्छा। जो बच्चे आपके आपको सुन रहे होंगे, उनके लिए आपको क्या लगता है, आपको क्या बच्चों को स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, जो आने वाले बच्चे हैं जो अभी ट्वेल्थ का एग्जाम दे रहे हैं या जिनके बोर्ड्स खत्म होने वाले होंगे, वो बच्चे जो आपका वीडियो देख रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? या अगर उन्होंने कोचिंग नहीं करी या अभी तक ट्वेल्थ में अच्छे से तैयारी नहीं करी थी, तो 13 में किस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करें, और मोशन ने आपकी जो ग्रोथ करी उसके हिसाब से आपको क्या लगता है बच्चों को मोशन क्यों आना चाहिए? बिल्कुल फ्रीली होकर के बताना। अगर सर मोशन में आ रहे हैं तो मोशन के जितने भी टीचर जो कुछ भी बता रहे हैं उसको बिल्कुल वो करना है, फॉलो करना है, प्रॉपर वे में फॉलो करना है। टीचर्स जो बोलते हैं वो फॉलो करना है, उससे आपका रिजल्ट बेटर हो रहा है और आपके सिलेक्शन में वो हेल्प कर रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज देते हैं उसी को ही करना। जैसे शुरू शुरू में क्या होता है कि किताब किसी और कोचिंग की भी ले लेते हैं, उसके इसे भी कर लूं, इसे भी कर लूं, वो उतना हो नहीं पाता, क्योंकि हॉच पॉच ज्यादा है, एंड में फिर वो बिखर ही जाता है। तो जितना हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कराता है सिस्टम, आपको मोशन जो आपको मटेरियल दे रहा है, जो डीवीपीस दे रहा है, जो टेस्ट सीरीज करा रहा है, वो सफिशिएंट है। मतलब अगर एक बच्चे को अच्छा स्कोर करना है तो सफिशिएंट है, करेक्ट है। अच्छा, क्या आपने मशीन का यूज किया था, जो हमारी एआई मशीन है, उससे आपने क्या डीपीपी वगैरह निकाली थी? जैसे शुरू में फिजिक्स में निकाली थी मैंने, ओके, कुछ टॉपिक्स को। वो हेल्पफुल हुई आपके लिए? क्या आपको स्पेसिफिक टॉपिक पर ग्रो करवाती है हमारी? वो आपकी कमियां बताती है एक्चुअली में। तो जो हमारी एआई मशीन है, वो मशीन बेसिकली बच्चों की कमियां बताती है और बच्चों की कमियों के अकॉर्डिंग ही डीपीपी जनरेट करके उनको देती है। जैसे कि बच्चा बोल रहा है कि इसने फिजिक्स की स्टार्टिंग में निकाली थी, ठीक है, 13 में बच्चों के पास थोड़ा सा टाइम लैक होता है क्योंकि उनकी क्लासेस बहुत चल रही होती हैं, सिलेबस का प्रेशर भी उनके ऊपर बहुत होता है, तो ठीक है, फिर भी इसने एआई मशीन का यूज किया, वो इसको हेल्पफुल लगी। ठीक है, एडवांस की तैयारी के लिए क्या करोगे आप? जैसे सर कोचिंग ने कहा है कि पहले तो एक्सरसाइज मॉड्यूल की एक्सरसाइज करनी है, करेक्ट है, और पीवाईक्यू भी करनी है ज्यादातर पीवाईक्यू करने है। ब्रह्मास्त्र चल रहा है, इसके टेस्ट फेज 2 चल रहा होगा, वो अभी आप टेस्ट दे रहे होंगे, और फेज 2 के बाद फेज 3 आ जाएगा हमारा एडवांस वाला, वो टेस्ट लिए वो देंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि बच्चे ने क्या क्या चीजें करी हैं, उसने किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया, मार्क्स 56 से 96.5 पर जाने के लिए उसने तीन चीजों पर मेनली फोकस किया। पहला पॉइंट जो मेरा कंक्लूजन अपन कर रहे हैं, इसने क्लासेस रेगुलर रखी, टीचर्स जितने भी मोशन के थे उनको उन्होंने जो जो इसको बोला उसने ये प्रॉपर फॉलो किया है, और जितनी भी टेस्ट सीरीज थी वो टेस्ट सीरीज ने रेगुलर अटेंड करी है, जिससे इसने 40 से 50 नंबर का ग्रोथ लिया है जो रेगुलर टेस्ट में इसके आते थे और लास्ट की टेस्ट सीरीज में। अभी भी ये उन्हीं टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहा है, ज्यादा इधर उधर नहीं कुछ कर रहा है। मेरे ख्याल से आप कुछ भी अब नहीं कर रहे होंगे, कहीं से कोई आप ऑनलाइन सपोर्ट ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं? नहीं सर, अब कोई ऑनलाइन सपोर्ट जरूरत ही नहीं पड़ रही है आपको, कंफर्टेबल है आपका सिलेबस, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस सिस्टम आपको करा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो इसी के साथ इस बच्चे ने जो आपको बताया, आने वाले बच्चों को मेरा सजेशन है कि आप फॉलो करें और बिलीव करें कि मोशन है तो भरोसा है, मोशन है तो भरोसा है। थैंक यू, थैंक यू सर।